नमस्कार, मैं सलोनी सरीन और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम बात करेंगे आज की तारीख में घटी देश दुनिया की कुछ अहम घटनाओं के बारे में। तो चलिए जानते हैं आज यानी 4 जनवरी की तारीख का इतिहास। फ्रांस में एक छोटा सा कस्बा है कूप्रे, यहाँ 1809 में आज के दिन ही जन्म हुआ लुई ब्रेल का, वही लुई ब्रेल जिन्होंने नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। लुई बचपन से नेत्रहीन नहीं थे, लेकिन बचपन में उनके साथ एक हादसा हुआ और उनकी आंखों की रोशनी चली गई। दरअसल लुई के पिता साइमन रेले ब्रेल शाही घोड़ों के लिए काठी बनाने का काम किया करते थे। उन पर काम का बहुत ज्यादा रहता था, इसलिए उन्होंने अपनी मदद के लिए 3 साल के लुई को भी अपने कामों में लगा लिया। एक दिन लुई पिता के साथ काम करते वक्त वहां के औजारों से खेलने लग गए। एक औजार उनकी आंख में लग गया, बहुत खून बहा। उस वक्त परिवार ने इसे मामूली चोट समझकर मरहम पट्टी करवा दी। जैसे जैसे लुई की उम्र बढ़ती चली गई, वैसे वैसे घाव भी गहरा होता गया और 8 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते लुई की आंखों की रोशनी चली गई। लुई की उस वक्त उम्र 16 साल की थी। उसी समय उनकी मुलाकात फ्रांस की सेना के कैप्टन चार्ल्स बर्बियर से हुई। चार्ल्स ने लुई को नाइट राइटिंग और सोनोग्राफी के बारे में बताया। इसी की मदद से सैनिक अंधेरे में पढ़ा करते थे। ये लिपि कागज पर उभरी हुई होती है और 12 बिंदुओं पर आधारित होती है। यहीं से लुई को ब्रेल लिपि का आइडिया आया। लुई ने उसी लिपि में सुधार किया और 12 बिंदुओं की जगह 6 बिंदुओं में तब्दील कर दिया। लुई ने ब्रेल लिपि में 64 अक्षर और चिन्ह बनाए। इसमें विराम चिन्ह और संगीत के नोटेशन लिखने के लिए भी जरूरी चिन्ह बनाए गए और 1825 में लुई ने ब्रेल लिपि का आविष्कार कर दिया। भारत और दुनिया के इतिहास में 4 जनवरी की तारीख में और भी कुछ अहम घटनाएं दर्ज हैं, आइए उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 4 जनवरी 1642 इंग्लैंड के किंग चार्ल्स ने 400 सैनिकों के साथ संसद पर हमला किया। 4 जनवरी 1762 इंग्लैंड ने स्पेन और नेपल्स पर हमले का ऐलान किया। 4 जनवरी 1951 चीन के सुरक्षा बलों ने कोरियाई युद्ध के दौरान सियोल पर कब्जा किया। 4 जनवरी 1962 अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पहली स्वचालित मेट्रो ट्रेन चलाई गई। 4 जनवरी 1990 पाकिस्तान में 2 ट्रेनों की टक्कर में करीब 307 लोग मारे गए और उससे दुगने घायल हुए। 4 जनवरी 2010 दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का उद्घाटन हुआ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही इतिहास से जुड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहे मेरे साथ और देखते रहिए सनराइज न्यूज। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।